यह बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ में काम कर रहे थे। तब भवन की सुरक्षा के लिए उनके साथ काम कर रहे अन्य लोगों ने इमारत की दीवार पर टूटे हुए शीशों के टुकड़े लगाने के बारे में सुझाव दिया। लेकिन जब यह बात डॉक्टर कलाम को पता चली तब उन्होंने ऐसा करने से सबको रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से उस दीवार पर बैठने वाले पक्षी घायल हो सकते थे। यह बात बताती है कि डॉक्टर कलाम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के लिए भी कितना दया भाव रखते थे। डॉक्टर कलाम को यस्सर टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश आए हुए थे और कुछ बिंदुओं पर डॉक्टर कलाम ने अपना विचार व्यक्त किया और श्री नायर से पूछा, क्या आप सहमत हैं? श्री नायर ने कहा, नहीं सर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मुख्य न्यायाधीश हैरान थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक सिविल सेवक के लिए राष्ट्रपति से असहमत होना असंभव था, और वह भी इतने खुले तौर पर। बाद में श्री नायर ने उन्हें बताया कि राष्ट्रपति उनसे सवाल करेंगे कि वह उनसे असहमत क्यों है, और यदि उन्हें उनकी बात तर्कसंगत लगी तो वे 99% अपने विचार बदल देंगे। आईआईटी वाराणसी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर 5 कुर्सियां रखी थी। बीच वाली कुर्सी डॉक्टर कलाम की थी, बाकी 4 विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के लिए। डॉक्टर कलाम ने जब यह देखा कि उनकी कुर्सी अन्य की तुलना में थोड़ी ऊंची थी, तब उन्होंने इस पर बैठने से मना कर दिया और उस पर विश्वविद्यालय के कुलपति को बैठने के लिए अनुरोध किया। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो फिर समान तरह की कुर्सी मंगवाई गई और वे उसी पर बैठे।